लोकायुक्त पुलिस रीवा ने सोमवार को सीधी नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। खबर तो शायद आपने हो सकता है कि अब तक कहीं ना कहीं आपके पास पहुंची होगी, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा है कि सीधी जिले में नहीं, हर एक जिले में करप्शन यानी कि घूस बिना मांगे कहीं किसी का काम ही नहीं चल रहा। हालांकि सरकारी नौकरी में आज हर एक व्यक्ति की जो सैलरी होती है वो कहीं ज्यादा होती है, किसी की 50 होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 80 होती है, तो किसी की 1,80,000 होती है, लेकिन सैलरी एक प्राइवेट जॉब से कहीं ज्यादा बेटर होती है। एक प्राइवेट नौकरी करने का बात करूं कि अगर कोई गार्ड अगर सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो उसकी सैलरी, यानी गार्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि पुलिस एक सरकारी है और उसके भी गार्ड होते हैं, तो उसकी सैलरी मैक्सिमम 35,000 से 36,000 होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर 8,000 सैलरी होती है 12 घंटे की। हालांकि पुलिस की नौकरी सिर्फ 6 घंटे या कह सकते हैं कि अगर कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट जो इंप्लाई होता है उसकी जो जॉब, इतनी मेहनत के बाद उसकी सैलरी 8,000 होती है। 8 घंटे की सैलरी नहीं बल्कि 12 घंटे की बात कर रहा हूं, 12 घंटे की 8,000 सैलरी बताइए क्या होती है। वहीं देखने को यह मिलता है कि 8,000 वाला तो सिर्फ उतने से ही खुश है, लेकिन जो 80,000 पा रहा है उसके पेट में एक चुलबुली मची रहती है कि कब मैं किसको लूट सकूंगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सीधी जिले के नगर पालिका से, जहां पर एक बड़ा मामला चलकर सामने आया, जो आप लोगों को बता दूं कि नगर पालिका में लगातार मृत्यु प्रमाण बनाने का भी घोष लिया जाता है। मृत्यु प्रमाण यानी कि कोई अगर आपके परिवार का मर जाए तो उसके लिए भी घोष की आवश्यकता है, बिना घोष लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक मामला देखने को मिला, जहां आप लोगों को बता दूं कि एक मामला सामने चलकर आया है जहां पर देखा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए घोष मांगे, जो कि पहले 2,000 रुपए फिर 3,000 रुपए किस्तों में घोष लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जहां की लोकायुक्त की टीम ने लगभग 15 लोगों के सदस्य टीम यहां पर पहुंची और रंगे हाथ उनको पकड़ा गया और तत्काल ही उनको उठा लिया गया। पूरा मामला क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जहां बता दूं कि सहायक राजस्व निरीक्षक 3,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हो गया है। लोकायुक्त पुलिस रीवा ने सोमवार को सीधी नगर पालिका के राजस्व सहायक निरीक्षक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हाथ रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी सहायक राजस्व निरीक्षक रामसिया साकेत ने आवेदन जो दिया था, ये आवेदक है जो सुशील प्रजापति से नगर पालिका में 20 से 30 वर्ग फीट जमीन किराए पर देने के नाम पर 5,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे थे, जहां की आवेदक 2,000 रुपए पहले दे चुका था, दूसरी किस्त में 3,000 रुपए और मांगे जा रहे थे, जहां की आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस रीवा में दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को आवेदक को 3,000 रुपए देकर सहायक राजस्व निरीक्षक के पास भेजा। जैसे ही शिकायतकर्ता रुपए देने के लिए आगे बढ़ा, निरीक्षक के पास पहुंचा, राजस्व निरीक्षक के पास पहुंचने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने दबिश देकर रंगे हाथ जो है गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया और अब जो है तो कार्यवाही भी की गई। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि यह कार्यवाही बहुत देर तक चली, जहां की आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि नगरपालिका कार्यालय में लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम सोमवार की सुबह 11 बजे पहुंच गई थी, जहां की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक चली। करीब 3 घंटे तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी सहायक राजस्व निरीक्षक को मुचलके पर जमानत दे दी गई है। कार्यवाही में उप निरीक्षक अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार और उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे व 15 सदस्यीय टीम शामिल थे। आप लोगों को बता दूं कि लगातार ये देखा जाता है कि अगर नगर पालिका में कोई व्यक्ति अगर किसी भी वार्ड से अगर चला जाए और वो कहे कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, तो राशन कार्ड के नाम पर मुश्किल से, आप लोगों को बता दूं कि आप सोचते होंगे कि यार 50 रुपए 100 रुपए ऐसा कुछ फीस लगेगा, तो गलत सोचते हैं। नगर पालिका में लगातार 5,000 10,000 आपके राशन कार्ड के नाम पर आपसे ले लिया जाता है। दूसरी तरफ मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करूं कि अभी कोरोना काल में इतने सारे लोग मर गए, लेकिन अगर मृत्यु प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो मृत्यु प्रमाण बनवाने अगर आप जाते हैं तो वहां पर लगातार आपसे पैसे यानी कि घोष की डिमांड करते हैं। लेकिन ऐसे ही एक होशियार व्यक्ति की जरूरत है, जो कि आप बन सकते हैं, आपके साथ साथ आपका समाज बन सकता है, जो लगातार देखने को मिल पा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा मामला खुलकर सामने आया और उसने अपने दिमाग को यूज किया होशियारी के साथ
और सामने एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति को उसने रंगे हाथ गिरफ्तार करवाया है, जो नगर पालिका में दोनों को इस टाइम पर सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कार्यवाही चल रही है इस पर, लेकिन लोकायुक्त ने उनको पकड़ने के बाद जमानत पे मुचलिका पैर छोड़ा है। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर, लेकिन एक बार जाते जाते कहना चाहूंगा कि होशियार आप भी बन सकते हैं। लोकायुक्त का नंबर आप भी कनेक्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसे लेकर के, अगर भी आपको इससे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप डायरेक्टली लोकायुक्त से संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद उसी पैसे को आप सामने वाले व्यक्ति को दीजिए और वो भी पकड़ा जाएगा, वो चाहे कितने बड़े पद या पोस्ट पर क्यों ना हो, चाहे वो जिले का कलेक्टर हो या फिर सरकारी कोई भी व्यक्ति कर्मचारी, यानी छोटा से लेकर के बड़ा व्यक्ति तक अगर कोई आपसे अगर पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होगा। अगर लोकायुक्त पा जाती है तो तत्काल ही सस्पेंड होगा और हो सकता है कि बर्खास्त हो जाए इस चीज को प्रमाणित करने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।